कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा मुसलमान का गांव नहीं है जहां पर गरीब दरिद्रता एकदम चरम पर न हो। पूरा बिहार ही हालत खराब है, लेकिन उसमें भी मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब। ये क्यों खराब? जिस भी मुसलमान भाई से आप बात कीजिएगा तो जो संजीदा लोग हैं वो भी कहते हैं प्रधान जी क्या करें, जिस पर भी हम लोगों ने भरोसा किया किसी ने हमारी मदद नहीं की, किस पर भरोसा करें? आप एक डरे हुए कौम है। मुसलमान खड़ा होकर कहता है भैया हम लोग डरते किसी से नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कितने डरे हुए हैं कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं समझ में आ रहा। आप किसी को जिताने हराने की बात छोड़ दीजिए, आप तो वो सोच ही नहीं सकते, आपने वो सोच ही छोड़ दिया। आप किसी को जिताने के लिए नहीं लोकतंत्र के हिस्सेदार हैं, आपने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया। राजनीति आपके लिए सिर्फ चुनाव है, और चुनाव में ये आपका निर्णय है कि कौन भाजपा को हरा रहा है। वो आदमी अच्छा है, वो दल आपके लिए कुछ किया है नहीं किया है, आपका ही चाहे सब लूट कर ले गया हो, अगर आपकी नजर में वो भाजपा को हरा रहा है तो वही आपका सबसे अच्छा साथी है। और वोट देने का क्या असर हो रहा है? कोई भी समाज कोई भी व्यक्ति वोट क्यों देता है? वोट के तीन वजह है। पहला वजह है आप अपना और अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, तो विकास के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है, रंगनाथन कमीशन का रिपोर्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। जिस गांव में भी चले जाइए, अभी हम आपके गांव में आ रहे हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा बदहाल गांव मुसलमानों के। हमको लोगों ने कहा कि देवबंद में मुसलमान पश्चिम चंपारण में बहुत पढ़ा लिखा गरीब मुसलमान है। मैं देवबंद गया, वहां पर 5 दिन तक हर गांव में गया, वहां पर भी हमने उतनी ही गरीबी देखी। कोई आदमी बाहर चला गया है परिवार कुछ पैसा भेज दे तो अलग बात है, लेकिन समाज की हालत उतनी ही है, वह उतनी ही खराब है। तो विकास तो आपको निश्चित तौर पर नहीं मिला, और इसमें कोई मुसलमान हमसे बात भी नहीं करेगा, लेकिन फिर कहेगा क्या करें, विकास नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दूसरा ही हम लोग को कम से कम हमारी सरकार तो है, हमारी सुरक्षा। कोई शिकायत नहीं है। देखिए दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है, 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उससे उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो, खेती का साधन हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में अगर आप देखिएगा उसमें 35 आदमी ऐसा है, इसको याद रखिए, 35 आदमी 40 में ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो बिहार में खेती किसानी करने वाले लोग ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खाने का जरिया है। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो जाए, इससे कमाई नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो यहाँ के किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है।